Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. आप सबको ये चीज पता होगा कि पीसी में फ्री फायर खेलना कितना ज्यादा अनफेयर है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जो लेजेंड्स आईफोन में खेलते हैं वो भी कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसकी वजह से आईफोन का भी गेम प्ले अनफेयर हो जाता है। तो आज का वीडियो ऐसे ही कुछ पांच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर होने वाला है जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, क्या आईफोन में कवर डैमेज और फेक डैमेज ग्लिच होता है। आप सबको ये चीज पता होगा कि कई बार आपका इंटरनेट भी ठीक होता है फिर भी आप फाइट लेने के टाइम कवर में जाते हो तो आपको फिर भी डैमेज पड़ रहा होता है, और कई बार इस चीज की वजह से आप मारे भी जाते हो और आपका दिमाग एकदम सटक जाता है, अगर मैं कवर में था तो मैं मर क्यों रहा हूं। एंड फिर आप ब्लेम या तो गेम को करते हो या तो अपने इंटरनेट को। लेकिन क्या आपको पता है ये सारी चीजें 90% ऑफ द टाइम आपके डिवाइस की वजह से होता है। और मैं आपको ये चीज बता देता हूं, अगर आपके पास एक नॉर्मल पीसी है और आप पीसी में फ्री फायर खेलते हो तो ऐसा डैमेज पड़ने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ एक आईफोन ही है जिसमें ये डैमेज बहुत कम पड़ता है, मतलब ना के बराबर। लेकिन अगर आप बात करो फेक डैमेज की तो आईफोन में भी फेक डैमेज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके डिवाइस के साथ नहीं होता, वो एक्चुअल में फ्री फायर का ही ग्लिच है जिसको फ्री फायर ने तो इम्प्रूव बहुत किया, लेकिन अभी भी काफी बार आपको फेक डैमेज देखने को मिलता है। तो क्या आपको इसके बारे में पता था, मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, सेंसिटिविटी ऑफ आईफोन। तो क्या आपको पता है आईफोन का सेंसिटिविटी नॉर्मल एंड्रॉइड फोन के सेंसिटिविटी से डबल होता है। और आप सबने ये चीज नोटिस भी किया होगा, जितने भी एंड्रॉइड फोन यूजर्स होते हैं वो अपना सेंसिटिविटी 100 रखते हैं और फिर भी मूवमेंट स्पीड नॉर्मल ही होता है, और इसीलिए बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स अपना DPI ऑन करते हैं, जिस चीज की वजह से उनकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन उनका फोन भी साथ में डैमेज होता है। लेकिन अगर आप एक आईफोन में सेंसिटिविटी 100 रखोगे आपको शुरू में वो कंट्रोल भी नहीं करना आएगा, क्योंकि आईफोन में 100 सेंसिटिविटी मतलब बहुत ज्यादा होता है। एंड इसीलिए वर्ल्ड के जितने भी फास्ट मोबाइल प्लेयर्स हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा प्लेयर्स आईफोन में ही खेलते हैं, जैसे कि MA10, WhiteFF, JackFF और भी बहुत सारे प्लेयर्स। इन शॉर्ट आपका मूवमेंट स्पीड 70% डिपेंड करता है आपके डिवाइस पे, एंड इसीलिए आईफोन इस चीज में बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या आपको इसके बारे में पता था, मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फिल्मोरा गो है उन्हें गिव अवे रखा है। जब उनके चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो वो एक ऑटोफिल कंपनी का गेमिंग चेयर गिव अवे करेगी, जो मिलेगा किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और कमेंट जरूर करना कि आपको एप्लीकेशन कैसा लगा। और यहाँ हर एक वीक में 20 मंथली लाइसेंस मिलेगी जो कि इस ऐप के प्रीमियम फीचर्स के लिए। और अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन को यूज करने की। सबसे पहले आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है, और मैं बता देता हूँ इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें जैसे ही आपकी वीडियो टाइमलाइन में आ जाएगी आप बहुत ही इजीली नीचे दिए गए फीचर्स को ऐड कर सकते हो। आप इन ऑप्शन से फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो और मोजैक भी ऐड कर सकते हो। और पर्सनली मेरे को ये वाटर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है और काफी टाइम मैं इसको यूज भी कर चुका हूं। और ऐसे बहुत सारे और भी फीचर्स है जिनसे आपको काफी हेल्प मिल सकती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके डाउनलोड जरूर करना। और अगर आपको एप्लीकेशन अच्छा लगे तो जाके 5-स्टार रेटिंग जरूर दें, और फिल्मोरा गो के चैनल को सब्सक्राइब करना और इनके गिव अवे वाले वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और आपको मौका मिलेगा 20 free passes या तो गेमिंग चेयर जीतने का। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, आईफोन में खेलना अनफेयर क्यों है। आपने तो ये चीज सुना होगा कि पीसी में खेलना अनफेयर होता है क्योंकि ऑब्वियसली बंदे जो है वो 10 फिंगर से खेलते हैं, जिस चीज की वजह से उनको काफी एडवांटेज मिलता है। अब आपके मन में तो ये बात जरूर आएगी, पीसी का तो ठीक है लेकिन आईफोन में खेलना अनफेयर क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन में बहुत सारे प्लेयर्स मैक्रो यूज करते हैं। मैक्रो का मतलब सिंपली ये होता है कि आप दो काम एक ही बटन से कर सकते हो, और बहुत सारे प्लेयर्स आईफोन में ड्रैग के लिए भी मैक्रो यूज करते हैं और सेटअप ग्लूऑल के लिए भी, और जो चीज नॉर्मल एंड्रॉइड डिवाइस में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप किसी भी आईफोन में मैक्रो यूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक आईफोन में आपको सेटिंग्स में ही मैक्रो मिल जाता है। और मैं आपको ये चीज क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैक्रो हैक नहीं होता है, मैक्रो आपको क्लियरली एडवांटेज देता है। लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे मैक्रो के लिए तो अपनी आईडी के जिम्मेदार खुद हो। एंड दूसरी चीज जो आपको आईफोन में एडवांटेज देती है वो है बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव टच स्क्रीन। लेकिन उससे पहले क्या आपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि वर्ल्ड के जितने भी ड्रैग मोबाइल लेजेंड्स हैं और जितने भी वन टैप मोबाइल लेजेंड्स है वो सब आईफोन में ही खेलते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि आईफोन में अगर आप फायर बटन को थोड़ा सा भी ड्रैग करते हो वो सीधे हेड की तरफ ही जाता है। एंड आईफोन में इसीलिए ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं क्योंकि आईफोन का जो टच स्क्रीन होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और करेक्ट होता है, जिसके कारण रिकॉइल भी कम होता है और ड्रैग लगने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो क्या आपको इसके बारे में पता था, मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मोबाइल प्लेयर्स आईफोन 8 प्लस ही क्यों यूज करते हैं। आपने ये चीज शायद नोटिस भी किया होगा कि वर्ल्ड
के जितने भी आईफोन मोबाइल लेजेंड्स हैं उनमें से ज्यादातर प्लेयर्स आईफोन 8 प्लस में ही खेलते हैं। क्या आपको ये चीज अजीब लगती है कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है लेकिन वो अभी भी आईफोन 8 प्लस पे ही खेलते हैं? जैसे कि वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेयर नूब्रू, वो भी काफी सालों से सिर्फ आईफोन 8 प्लस पे ही खेलते हैं। एंड मेरे को ये चीज पता है, आप में से बहुत सारे प्लेयर्स अभी सोच रहे होंगे आखिर आईफोन 8 प्लस में क्या है जो आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी नहीं है। एंड इसका आंसर है सिर्फ 3D टच। मतलब आईफोन 8 प्लस आईफोन का सिर्फ इकलौता डिवाइस है जिसमें 3D टच है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, आईफोन में दो टाइप के टच होते हैं, एक तो हैप्टिक, दूसरा 3D। एंड 3D टच हैप्टिक से बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स आईफोन 8 प्लस यूज करते हैं क्योंकि उसमें ड्रैग और वन टैप बहुत ही इजीली लगता है। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, क्या एक आईफोन प्लेयर पीसी प्लेयर को हरा सकता है? मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूँ, ये चीज प्लेयर के स्किल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ आईफोन ही है जो पीसी प्लेयर्स को बराबर टक्कर दे पाते हैं। और मैं ये चीज जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे एंड्रॉइड पे खेलने वाले लेजेंड्स हैं जो पीसी प्लेयर्स को भी हराते हैं, लेकिन इन रियलिटी सिर्फ आईफोन की स्पीड और एक्यूरेसी है जो पीसी प्लेयर्स के साथ मैच हो पाती है, क्योंकि आईफोन का टच रिस्पॉन्स और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और जो सबसे ज्यादा एडवांटेज आईफोन में होती है वो यही होता है कि आईफोन में बहुत ही इजीली वन टैप और ड्रैग लगता है। एंड ये चीज उन सब प्लेयर्स को पता होगा जो आईफोन में खेलते हैं। अब आप लोग ये चीज मत सोचना कि आईफोन प्लेयर्स बहुत ही इजीली पीसी प्लेयर्स को हरा पाते हैं, क्योंकि पीसी प्लेयर्स के पास भी बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होता है। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, आईफोन का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, टच रेस्पॉन्स होता है और जो रिफ्रेश रेट होता है वो पीसी के साथ कम्पीट कर पाता है, क्योंकि आईफोन के डिवाइसेस बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट होते हैं। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। एंड यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।